गाइज, मैं सलोनी। वेलकम टू माय चैनल सलोनी स्वैग। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी इंस्टेंट पार्टी मेकअप कैसे करते हैं, तो आइए मेरे साथ। सबसे पहले मैं ये निविया का मॉइस्चराइजर यूज करूंगी, फेस मॉइस्चराइजर, जिससे कि हमारा फेस बहुत ही हेल्दी रहे, क्योंकि मॉइस्चराइजर हमारे फेस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है हमारे फेस पे। तो आइए मैं सबसे पहले यूज करती हूँ मॉइस्चराइजर। इसको आप अपने हाथ से भी ऐसे ऐसे करके यूज कर सकते हो, ज्यादा नहीं लगाना होता है क्योंकि इससे थोड़ा फेस ऑयली होता है। बस थोड़ा फेस को अच्छे से अप्लाई हो जाए, बस। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कभी भी मॉइस्चराइजर को स्किप ना करें। आप कोई भी मेकअप कर रहे हो, लाइट मेकअप, हार्ड मेकअप, कोई भी, तो आप मॉइस्चराइजर जरूर से जरूर लगाएं, क्योंकि ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो आइए, मैंने ये अप्लाई कर लिया है, अच्छे से देख लेती हूँ कहीं रह तो नहीं गया। हाँ, तो ये हो चुका है। तो गाइस देखिए, मैंने मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया है। तो इसके बाद आप यूज करेंगे या आप यूज कर सकते हो, मैं तो ये हुडा ब्यूटी का प्राइमर यूज करती हूँ मॉइस्चराइजर के बाद। बट अगर आपके पास मॉइस्चराइजर ना हो तो ये आप एलोवेरा जेल भी अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो एज अ प्राइमर, क्योंकि ये भी हमारे फेस के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। तो मेरे पास प्राइमर है हुडा ब्यूटी का, तो मैं इसको अप्लाई करूंगी। ओके, इससे क्या होता है, हमारा जो हम जो फाउंडेशन यूज करते हैं वो बहुत अच्छी तरह से हमारे फेस पे अप्लाई हो जाता है, और ये हमारे मेकअप को एक वॉल्यूम देता है। तो इसे मैं अप्लाई कर लेती हूँ। इसकी स्मेल मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, ये मेरा फेवरेट है। इसे कर सकते हो घर पे। तो ये हो चुका है, हम बस कुछ सेकंड लेंगे इसको अच्छे से सेट होने के लिए। तब तक मैं अपना ये फिट मी मेबलिन का फिट मी जो है मैट फाउंडेशन है, जो कि आप कोई भी अपना कोई भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, जो भी आपके पास फाउंडेशन हो, पर मैं ये यूज करती हूँ, मुझे ये ज्यादा पसंद है। पर मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप कोई अच्छी कंपनी का ही फाउंडेशन यूज करें, क्योंकि ये हमारे चेहरे पे बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है अगर कंपनी अच्छी ना हो तो। तो हाथ पे ऐसे निकाल के और तब यूज करो, डायरेक्ट अपने फेस पे यूज ना करो, ऐसे ही ज्यादा अच्छे से होता है। तो ये जो फाउंडेशन है, मैं आपको बताना भूल गई, ये नॉर्मल टू ऑयली किसी भी स्किन के लिए है, इसलिए मैं इसको रिकमेंड करती हूँ ज़्यादा यूज करना। अगर आप करना चाहो तो आप ये वाला फाउंडेशन इजीली यूज कर सकते हो, और इसको आप फिंगर टिप से ही यूज करो, स्पॉन्ज की मदद से भी यूज कर सकते हो। ऐसे अप्लाई करो डॉट डॉट, थोड़ा सा अपने नेक के पास भी इसको यूज किया करो, क्योंकि गाइस कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे गर्ल्स जो होती हैं वो फेस पे तो अप्लाई कर लेती हैं पर नेक पे अप्लाई करना भूल जाती हैं। तो इससे क्या होता है, ऐसा लगता है हमारे ऐसे शरीर के ऊपर हमारा मुंडी चिपकाया हुआ है, मुंडी किसी और कलर की होती है और फेस किसी और कलर का हो जाता है। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ऐसे आप इसको पूरे अपने नेक पे और पूरे फेस पे यूज करें, और मैं इसको ब्लेंड करने के लिए ये स्पॉन्ज यूज कर रही हूँ। मुझे स्पॉन्ज सबसे ज्यादा इजी लगता है और ये इजी टू अप्लाई होता है, तो मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगी कि आप लोग भी स्पॉन्ज से ही इसको ब्लेंड करें। तो आप ऐसे इसको पहले थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर लें स्पॉन्ज से, और फिर इसको अच्छे से ब्लेंड करें। ये
इजीली ब्लेंड हो जाता है। ब्रश से थोड़ा मुश्किल होता है पर हाँ, लेकिन सबसे इजी होता है ब्लेंडर से इसको अप्लाई करना। देखिए, आप देख सकते हैं कितने स्मूथली ये मेरे फेस पे अप्लाई हो रहा है। तो गाइज, आप देख चुके हो कि मेरे फेस पे पूरी अच्छी तरह से फाउंडेशन मैंने अप्लाई कर लिया, अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया। तो अब हम लगाएंगे कंसीलर। कंसीलर गाइज हम लोग आईज के नीचे लगाते हैं यहाँ पे, ताकि जितने भी मैं अगर डार्क सर्कल हो या फिर जो भी एरिया हमारे डार्क हो वहाँ पे हम लोग कंसीलर यूज करते हैं। ऐसे अंडर आई इसको ऐसे यूज करेंगे। इसको लगाते टाइम, अप्लाई करते टाइम आप ये ध्यान रखो कि ये ज़्यादा भी ना लगे, क्योंकि इससे फिर फेस का मेकअप भी बहुत अच्छा नहीं देता है। कंसीलर मेकअप का एक बेस्ट पार्ट होता है, इसको जरूर यूज करें। जैसे कि मैं अप्लाई कर चुकी हूँ, तो अब इसे मैं ब्लेंड करूंगी, अच्छे से मिक्स करूंगी ये स्पॉन्ज से ही। तो देखिए गाइस, इसको ऐसे धीरे धीरे हल्का हल्का हल्की हाथों से कब करना बता दूं कैसे। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने कंसीलर अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। तो अब इसके बाद आप कंसीलर लगाते टाइम इस बात का ध्यान रखो कि वो आप ना थोड़ा सा वेट स्पॉन्ज यूज करो, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। उससे क्या होता है कि हमारा कंसीलर अच्छे से अप्लाई होता है। तो गाइस, कंसीलर तो मैंने अप्लाई कर लिया अच्छे से, तो इसको सेट करने के लिए हम फेस पाउडर का यूज करते हैं। तो अब मैं अप्लाई करूंगी इसको सेट करने के लिए अपना फेस पाउडर, जो कि फिट मी का ही है, मेबलिन का फिट मी फेस पाउडर है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूंगी आप ये फेस पाउडर अच्छे से अप्लाई करो। इससे क्या होता है कि, और इसको ना ऐसे स्पंज को ऐसे मोड़ के फिर इसको फिट करते हैं। तो मैं कर लेती हूँ। तो अब देख रहे हो आप कि कंसीलर अच्छे से अप्लाई हो चुका है, सेट हो चुका है। मैंने इसको अपने फेस पाउडर के हेल्प से अच्छे से अप्लाई कर दिया है। तो गाइज, मैं थोड़ा थोड़ा फेस पाउडर अपने पूरे फेस पे भी अप्लाई करूंगी, ताकि वो भी अच्छे से सेट हो जाए और लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो गाइज, देख सकते हो आप, मैं थोड़ा थोड़ा फेस पाउडर अपने फेस पे भी अप्लाई कर रही हूँ। गाइज, देख सकते हो मैंने पूरे अपने फेस पे पाउडर अप्लाई कर लिया है। तो गाइज, पाउडर हम लोग इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि सिर्फ कंसीलर अगर आप अपने फेस पे अप्लाई करते हो तो हमारे इस आई के नीचे वाले एरिया पे, यहाँ पे आप देखोगे थोड़ी देर में ग्रिड लाइंस बन जाती हैं, जो कि हमारे मेकअप को बहुत ही भद्दा लुक देती हैं। तो इसलिए हम इसको फेस पाउडर की हेल्प से अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो गाइज, अब मैं यूज करने वाली हूँ हुडा ब्यूटी की ये पैलेट। तो इसको मैं अच्छे से अप्लाई, तो गाइज अब मैं इस पैलेट के हेल्प से आई शेडो यूज करूंगी। आप देख सकते हैं ये वाला कलर मैं अपने आई लिड पे यूज करूंगी, ये दिस वन पिंक कलर, लाइट पिंक। तो आई देखिए गाइज, इसको मैं अपने आई लिड पे यूज करूंगी। आई शेडो आप जब भी लगाओ तो ये इस बात का ध्यान रखो कि आई शेडो आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग हो। ऐसा ना हो कि आप आई शेडो किसी और कलर का यूज़ कर रहे हो और फिर ड्रेस आपकी उससे बिल्कुल ही डिफरेंट हो, तो उससे आपका मेकअप अच्छा लुक नहीं देता। और आई शेडो में एक बात ध्यान रखने की और होती है कि जब भी आप आई शेडो अप्लाई करो अपने आई लिड पे, तो ये जो हमारा ये
ये वाला एरिया होता है इसको हम लोग थोड़ा डार्क रखते हैं ताकि आईज का, हमारे आईज का एक शेप निखर के आए, तो इसको हम लोग ऐसे थोड़ा डार्क कलर से, डार्क ब्राउन आप देख सकते हो ये कलर मैं यूज कर रही हूँ, अच्छा ही आता है और लुक काफी अच्छा देता है। तो ये देख सकते हैं ये थोड़ा ब्राउन हो गया है, थोड़ा डार्क जितना मुझे चाहिए था। मैं बहुत ज़्यादा बोल्ड मेकअप नहीं कर रही हूँ तो मैं, मेरे लिए इतना आई शैडो काफ़ी है। तो गाइज आप देख सकते हो कि मैंने अपना आई शैडो कम्प्लीट कर लिया है। मुझे तो गाइज ये देखो मेरा आई शैडो कम्प्लीट हो चुका है। अगर आप आई शैडो में हाइलाइटर यूज करना चाहते हो यहाँ हाईलाइट के बिल्कुल यहाँ पे इस एरिया में, तो आप इस बात का ध्यान रखो कि आप ब्रश को थोड़ा सा वेट कर, तरह से लगा लिया है। तो अब मैं अपना आईब्रो कलर करूँगी। आईब्रो कलर करने के लिए मैंने ये म्यूजिक फ्लावर का आईब्रो कलर लिया है जो कि मैं अप्लाई करूँ, कि मैंने ये वाला अपना आईब्रो सेट कर लिया है। फाइनली मैंने अपना आईब्रो भी अच्छे से आईब्रो ब्रश की हेल्प से अच्छे से सेट कर लिया, जैसा कि आप देख सकते हो मेरे आईब्रोज भी सेट हो गए हैं। अपने आई कॉर्नर पे ये हाइलाइटर यूज करूंगी, जैसा कि आप देख सकते हो मैं ये वाला हाइलाइटर यूज कर रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, ये हाइलाइटर मैं यूज करूंगी जिससे हमारे आईज का जो लुक है वो काफी अच्छा आए। तो मैं आपको अब आपको दिखाती हूँ इसको कैसे अप्लाई करते हैं। इसको बिल्कुल अपने आईज के कॉर्नर पे हल्का सा, ज़्यादा ज़्यादा नहीं करना है। मैंने तो आईज के कॉर्नर पे हाइलाइटर अप्लाई कर लिया है, अब मैं ये हाइलाइटर थोड़ा थोड़ा अपने ब्रो बोन पे यूज करूँगी यहाँ, जिससे हमारे आईब्रोज का शेप भी बहुत अच्छे से आए और हमारा आई शैडो भी काफ़ी ब्यूटीफुली और क्लियरली दिखे। अप्लाई कर लिया है बहुत ही ब्यूटीफुली। अब आप देख रहे हो पहले से मेरे आईब्रोज के शेप ज्यादा बेटर लग रहे हैं। उनके पास हाइलाइटर भी अच्छे से सेट कर लिया है। अब मैं इसके बाद अप्लाई करूंगी आईलाइनर। तो गाइज मैंने ये लैक्मे का इंस्टेंट लाइनर यूज किया है, आप देखो इसको कैसे यूज करते हैं। आई शैडो लगाते टाइम आप देखोगे कि आपके आई लैसेस को बहुत सारे, आई शैडो के बहुत सारे पार्टिकल्स नीचे लग जाते हैं जिससे हमारे आई लैसेस उसी कलर के लगते हैं। इसलिए हम पहले मस्करा नहीं लगाते हैं, मस्करा सबसे लास्ट स्टेप होता है आई मेकअप का। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं बहुत ज़्यादा बोल्ड भी आईलाइनर नहीं लगाऊंगी, इतना मुझे चाहिए था। तो हाँ, तो आप देख सकते हो मैंने आईलाइनर अच्छे से अप्लाई कर लिया है। तो अब मैं इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैं मस्कारा यूज करूंगी। तो गाइज अब मैं यूज करूंगी लैक्मे एब्सोल्यूट का स्मच फ्री लॉन्ग लास्टिंग और वाटर प्रूफ मस्करा। तो गाइस आइए दिखाते हैं इसको, मैं ऐसे 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 नीचे वाले आई लैसेस पे भी आप थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर लो। इससे क्या होता है कि आपके आईज को वॉल्यूम मिलता है, आपकी आईज बिगर लगती है। तो आप देख सकते हो, तो ऐसे ही मैं अपने दूसरे आईज पे भी इसको अप्लाई करूंगी। गाइज आप देख सकते हो कि मैंने मस्करा यूज कर लिया। मैं यूज करूंगी हाइलाइटर अपने चिक पे। तो गाइज आप देख सकते हो मैं अपने चिक पे ये थोड़ा सा इस ब्रश से, ये ब्लश ब्रश से यूज करूंगी से, मैं ऐसे ब्लेंड करूंगी इस
उस टाइम आपको ध्यान रखना है कि हाइलाइटर आपके फेस पे ज्यादा ना लगे, ऐसे एक लाइन ब्रश के हेल्प से एक लाइन जैसे ऐसे लगाना चाहिए और इसको यहाँ और अपर लिप ब्लेंड कर लिया है मैंने, तो अब मैं कंटूर का यूज करूंगी अपने फेस पे। उससे क्या होता है कि हमारा फेस बहुत ही ज्यादा स्लिम लगता है। मैं अपने फेस पे यहाँ और अपने नोज पे यहाँ यूज करूंगी कंटूर को, जिसका मैंने कंसीलर यूज किया था उसी कंपनी का। मैं यहाँ कंटूर यूज करूंगी, यहाँ पे ऐसे एक इसकी हेल्प से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करो अपने नोज पे और अपने ऐसे, और आप इसको ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लो। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने एक साइड ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंडर यूज करने से क्या होता है गाइस कि बहुत जल्दी और बहुत ब्यूटीफुली आपका कंटूर या आपका फाउंडेशन कुछ भी बहुत ब्यूटीफुली ब्लेंड हो जाता है और इजीली अप्लाई हो जाता है। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने दोनों चिक्स पे इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अब मैं अपना नोज वाला ब्लेंड करूंगी अच्छे से, कि मैंने कंटूर अच्छे से अप्लाई कर लिया है अपने नोज एरिया में और अपने चिक एरिया में। तो गाइस मैं ये वाला ब्लश यूज करने वाली हूँ लाइट पिंक कलर का, मुझे ये सबसे अच्छा लगता है। तो मैं इस ब्लश की हेल्प से मैं ब्लश कर लेती हूँ अपने फेस में ब्लश, तो इसको ऐसे ऐसे हल्का सा ब्रश कर लेंगे। तो गाइस अब मैं लिपस्टिक यूज करने वाली हूँ अपने लिप पे। तो गाइस मेरे पास ये है लिपस्टिक मैट किस ब्यूटी का, इसमें का मैं पिंक शेड यूज करने वाली हूँ, क्योंकि मैं जो कपड़ा पहनने वाली हूँ उसमें पिंक कलर के फ्लावर्स हैं, तो मैं उससे मैच करके अपने लिपस्टिक यूज करूंगी। तो गाइस आइए मैं पिंक कलर की लिपस्टिक यूज करती हूँ दिखाती हूँ। तो गाइस लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले मैं इसे बॉर्डर लाइन पे यूज करूंगी। फेस पे लिपस्टिक भी अप्लाई कर लिया है, मेरा ऑलमोस्ट मेकअप कंप्लीट हो चुका है। अब मैं मेकअप फिक्सर यूज करूंगी हो। तो गाइस आप देख सकते हो कि अच्छी तरह से मैंने मेकअप फिक्सर अप्लाई कर लिया है। अब मैं एक सेकंड के लिए इसको ऐसे छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। तो गाइस मैं यूं गई और तो गाइस आई एम रेडी। आप देख सकते हो कि मैं अपनी पार्टी में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी हूँ। तो गाइज कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।